एंड जब हम लोग अंदर हॉट चॉकलेट पी रहे थे तब तक काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है काफ़ी ज़ोरों शोरों से एंड रास्ते में भी काफ़ी जम गई है। Hey guys, what's up? How you all? Once again, welcome back to the channel. मैं बस अपने घर पे बैठे बैठे अपना काम कर रहा था एंड जस्ट बाहर आया, खिड़की के बाहर आया एक्चुअली बालकनी में, एंड मैंने देखा कि स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, आई एक्चुअली डेंट व्लॉग वाइल इट वॉज स्नोइंग, मतलब मैंने स्नो होने के बाद तो व्लॉग ज़रूर बनाया बट स्नोफॉल होते वक्त व्लॉग नहीं बनाया था। सोचा लेट्स डू समथिंग, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ इस व्लॉग में, बट एटलीस्ट मैंने सोचा कि आई डोंट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग यू गाइज हाउ ब्यूटिफुल इट फील्स वन इट इज़ एक्चुअली स्नोइंग। और ये स्नोफॉल बहुत जल्दी एक स्लीट में बदलने वाला है एंड बाई स्लीट आई मीन की बहुत चिपचिपा सा हो जाएगा, मतलब वो एकदम बर्फ, सॉफ्ट वाला बर्फ नहीं रहेगा, वो थोड़ा बारिश और बर्फ का मिक्सचर हो जाएगा। बट टिल देन एंड नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ हाउ माई कम्युनिटी लुक्स लाइक थोड़ी बहुत वन इट स्नोइंग। सो Yes, let's have a look. आई होप यू गाइज एन्जॉयड दैट। एंड बाय द वे ये रही अपनी गाड़ी जो कि स्नो में ढकना धीरे 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 चालू हो गया है। राइट नाउ इफ यू कैन सी इट इज़ वेरी फ्रेश स्नो, एकदम अगर मैं हाथ भी लगाऊँ तो फ्रेश है। डू इट प्लीज, एक काम करते हैं, थोड़ी खुजली हो रही है, लेट्स ओपन द कार अप एंड ठंडी में जब नया नया स्नो गिरता है तब लेट्स सी कि वाइपर चलाने पे कैसा लगता है। आई नो ये काफ़ी लोगों को एकदम ऐसा बच्चे जैसा लगा कि मतलब ये क्या है, इसमें क्या मज़ा है, बट ऑनेस्टली इट इज़ माई कार दिस टाइम एंड मेरी अपनी गाड़ी में मैंने ये खुद से नहीं किया है। लास्ट टाइम आई थिंक जब हम लोग जीप लेके गए थे बाहर तब हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े किए थे, उस टाइम पे बर्फ में चलाया था, बट इन बिकॉज दिस इज़ माई ओन कार तो मुझे हर एक चीज़ पहली बार करने में एक्साइटमेंट रहेगा एंड आई एम श्योर फर्स्ट टाइम कार ओनर्स कार बायर्स माइट प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो लेट्स गेट इट। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इफ यू गाइज नोटिस्ड द कार टुक अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम टू स्टार्ट अप, मतलब चालू हुई फर्स्ट टाइम में बट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, -12 या -14 है फिलहाल, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसे यू नो लाइक सेल्फ लगता है। ऑब्वियसली चाबी वाला नहीं है तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट देन अगर चाबी वाला होता तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम पकड़ के रखना पड़ता। ओके, सो वाइपर्स, ये सारा स्नो गिरा एंड थोड़ा यहाँ पर भी गिरा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन इट्स एक्चुअली स्नोइंग फ्रॉम द कार। क्या बोलते हो, एक छोटे से ड्राइव पे चले? और ऐसे बैठे बैठे प्लान बना लिया, ये मैडम को फ़ोन कर लिया एंड इनको यहाँ पे बुला लिया बिकॉज शी लिव्स क्लोज बाय, तो 15 मिनट्स में आ गई। बट एनीवेज मैंने सोचा कि अभी और क्या करें, मुंबई में जब पहली बारिश गिरते तो सबसे पहले क्या करने का मन करता है, ड्राइव पे जाने का एंड कोई मस्त बैठ के चाय पीने का मन करता है। अभी थोड़ा चेंज ऐसा है कि बारिश की जगह बर्फ़ है और हम चाय की जगह सोचा मैंने कॉफ़ी पीने जाएंगे। अभी प्रॉब्लम इज़ इट्स 7 PM नाउ एंड जो भी अच्छे खासे कैफ़ेज़ होते हैं ना वो सब बंद हो गए, सो इसलिए मैंने सोचा कि एक यहाँ पे एक पास है काइस कैफ़े करके इन मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन इज़ अ वंडरफुल टाउन, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मुझे जाने ऐसा लगता है किसी फेरी टाउन में जाके तो मैंने अपना टाइम लैप्स रखा है वहाँ पे, तो जैसे ही मैं जाके वापस आऊँगा तो मेरे घर के बाहर जो एरिया है वहाँ पे बर्फ जमी हुई आपको दिखेगी शायद, एंड तब तक मैंने सोचा कि अगर इनकेस वो जगह कॉफ़ी वाली खुली हो तो लेट्स गो एंड ग्रैब अ कॉफ़ी। एंड पर इतने लाइक आई डोंट नो कब से स्नो कर रहा है पर
मुझे ऐसा लग रहा है इतने कम टाइम में बहुत ज्यादा स्नो जम गया, मतलब बहुत स्नो हो रहा है। तू अभी रास्ते पे आई, तू जब आ रही थी रास्ते पे था। हाँ, इसलिए तो बोला कि बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा जम रहा है। वो एक्चुअली 5 बजे चालू हुआ था वार्निंग, एज एन लाइक वेदर ऐप में बताना चालू हुआ था, लेकिन 5 का 6 हुआ 6 का 7 हुआ तब जाके प्रॉपर चला। हाँ एक्चुअली, और अभी बहुत ही हो रहा है, मतलब यू गाइस विल सी, वो आई गेस टाइम लैप्स में दिखेगा। तो फिर कितना ज्यादा गिर रहा है ना, वैसा मतलब हैवी रेन होता है ना वैसा हैवी स्नो हो रहा है। Hey, where have you been? I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. So it is quite a lot of fun driving in this newly you know, newly falling snow. And मैंने भी मतलब यू नो लाइक कुछ महीने पहले ही अपना नॉलेज टेस्ट दिया था, एंड साइली ने भी अभी दिया था। सो वन थिंग दैट यू डू लर्न इन द नॉलेज टेस्ट इज दैट जब भी स्नो या रेन नया नया गिरता है उस टाइम पे द रोड्स आर द मोस्ट स्लिपरी, तो यू हैव टू ड्राइव विथ मोर कॉशन। सो आपको रास्ते पे काफ़ी सारे सॉल्ट ट्रक्स वगैरह जाते हुए देखेंगे कि यू नो लाइक ट्रक्स आके सॉल्ट फेंक के जाते हैं ताकि जो आइस है वो फॉर्म ना हो, मेल्ट हो जाए, एंड यू नो लाइक ताकि थोड़ा रोड कम स्लिपरी हो। एंड नाउ वी आर इन मेटाचेन, हम लोग जा रहे हैं मेटाचेन के मेन स्ट्रीट पे, एंड नाउ यू गाइज एन्जॉय हाउ ब्यूटिफुल मेटाचेन लुक्स। वो एज इट इज़ ब्यूटिफुल लगता है, बट मुझे स्पेशली स्नोफॉल के टाइम पे यहाँ पे आना था बिकॉज स्नोफॉल आई एम प्रीटी श्योर वो उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाला है। ऑलराइट, सो हियर वी आर इन मेटाचेन। और चेंज इन प्लान, शायद मैं हॉट चॉकलेट पीऊँगा मुझे, बिकॉज याद आया कि ठंडी में सबसे ज़्यादा स्पेशली स्नोफॉल में मज़ा हॉट चॉकलेट पीने में आता है। व्हाट से साइलेंट, व्हाट हॉट चॉकलेट, यस हॉट चॉकलेट। किधर गई तो अरे दिखनी, हाँ आप ही देखिए। एंड दैट्स माय ऑर्डर, दिस इज सच अ नाइस कैफे। I'm not sure कि मैंने पहले क्यों नहीं डिस्कवर किया, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक विद अ फ्यू अदर फ्रेंड्स। एंड हम लोग ने लिया अभी एक चॉकलेट चिप कुकी एंड पेपरमिंट हॉट चॉकलेट फॉर मी, रेगुलर हॉट चॉकलेट फॉर साइली, बिकॉज साइली इज द अनयूजुअल ह्यूमन जिसे पेपरमिंट नहीं पसंद। एंड आई एम एन एडिक्ट, लाइक आई एम एडिक्टेड टू पेपरमिंट एंड मिंट एंड एवरीथिंग। सो या बाहर अच्छा खासा स्नोफॉल है, इट्स नाइस टेबल हियर, आई जस्ट गोइंग टू सिट हियर एंड चिल। कप के साइज में, शेप में। ऑलराइट, सो इट्स एक्चुअली क्वाइट फन, बहुत काफी मजा है यहाँ पे आके फॉर कॉफी। अपना ही है ना सिग्नल। एंड जब हम लोग अंदर हॉट चॉकलेट पी रहे थे तब तक काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरी है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, एंड रास्ते भी काफ़ी जम गई है, गाड़ियों में भी जमना चालू हो गई। सो आई थिंक इट्स बेस्ट कि अपन घर जाए।
यस, अपनी गाड़ी पे भी अच्छी खासी बर्फ जम गई है। एंड ये जो था ये अभी स्नो प्लाव करेगा, जहाँ पे अगर स्नो जमना चालू हो गई उन रास्तों से वो लोग स्नो भी प्लाव करेंगे। ये सारे काफ़ी आपको दिखेंगे अभी रेगुलरली। एनीवे, सो नाउ इट्स टाइम टू गो होम। ऑन द वे अभी साइली को ड्रॉप करूँगा, घर पे जाऊँगा एंड देन आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने टाइम लैप्स रखा था वो कैसा लग रहा है। ओ हाँ। या तब, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी उसमें फ़र्क दिखेगा कि एग्जैक्टली यू नो लाइक कितना ज़्यादा बर्फ गिरा है या फिर यू नो लाइक हाउ मच इज द स्नोफॉल ओवरऑल। या ठंडी लग रही है तो मैं सोच नहीं रहा मैं क्या बोलूं।